नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन फुल फ्लैज तेजी में देखने को मिल रहा है और ऐसे में भर भर के कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं। वीकेंड जरूर है बट कॉर्पोरेट अर्निंग्स कंटिन्यू आ रही है, कंपनियां काम कर रही है और रिजल्ट आपके लिए पेश कर रही है। अब एक एक करके सारे के सारे नंबर्स तो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट नाम जरूर बताऊंगा और कुछ स्टॉक्स के नंबर्स भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको नाम बताना चाहता हूं कंपनीज के जिन्होंने अपने नंबर्स पेश करे हैं। लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, एनटीपीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स, बगारिया इंडस्ट्रीज, पी फाइजर, टीसीएनएस क्लोथिंग, जेन टेक्नोलॉजीज, डी लिंक इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हाईटेक पाइप्स, गुडलक इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पीरामल फार्मा, जॉनसन कंट्रोल्स, हिटाची, एनएसीएल इंडस्ट्रीज, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, टीआरएफ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई कार्ड्स, शारदा एनर्जी एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी और भी कंपनीज हैं। इनमें से आप सभी का एक एसबीआई कार्ड को लेकर कमेंट आया था, मैं टीसीएनएस के नंबर्स देखना चाहूंगा क्योंकि मैं टेक्सटाइल को थोड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं इस क्वार्टर में। पहले मैंने आप सभी के साथ नंबर शेयर करे वेल्सपन इंडिया के और स्टॉक का प्राइस 11% भागा। तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर शेयर करता हूं एंड आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एसबीआई कार्ड्स के। जैसा कि एक हमारे व्यूअर उनका कमेंट आया था, आपको भी जिस स्टॉक के नंबर जानने प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एसबीआई कार्ड का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 526 करोड़ से बढ़कर 603 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 593 करोड़ से बढ़कर 603 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कंपनी के रेवेन्यू की बात करी जाए तो 4087 करोड़ पे आया है 3700 करोड़ से बढ़कर, और 3912 करोड़ से बढ़कर 4087 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो कुछ खास जम पा नहीं रही इस कंपनी में, इससे जितनी एक्सपेक्टेशंस है निवेशकों को एनालिस्ट को उतना परफॉर्म कर ही नहीं रहा है। नॉर्मल ग्रोथ है, कुछ शानदार ग्रोथ नहीं आई है, इसीलिए आप देख रहे हो शेयर का प्राइस जहां 1100 था आज 800 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है और बढ़ भी नहीं पा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस पे काफी लोग बुलिश हैं। सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड प्लेयर है ये कंपनी भारत में, तो इसको डेफिनेटली आप रडार पे रखिएगा, आने वाले समय में शायद पैसा बना के दे, बट ज्यादा बुलिश हो नहीं रहा हूं अभी मैं इस पे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में शेयर करना चाहूंगा। आपको और हमें पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, ऐसे में हम शेयर बाजार से तो पैसा निकाल नहीं सकते क्योंकि वहां से तो दो ट्रेडिंग सेशन में पैसा आपके हाथ में आता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है रुपी रेडी। ये एक ऐसी ऐप है जहां पे आपको इंस्टेंटली पैन कार्ड नंबर की मदद से 25,000 रुपीज तक का लोन 5 मिनट के अंदर मिल जाता है। रुपी रेडी आपको आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी के थ्रू लोन प्रोवाइड करवाती है, जहां पे आप अपने मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर एंड बैंक डिटेल जैसे ही फिल करेंगे, क्रेडिट इस तरह की लाइन शो होगी एंड आपकी बैंक में तुरंत लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा। रुपी रेडी का लिंक मैं आप सभी के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो इसे प्ले स्टोर और एप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, बात की जाए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा आप सभी के साथ की बात करेंगे यहाँ पे आप सभी के साथ टेक्सटाइल स्टॉक पे, तो एक बार टीसीएनएस ब्रांड्स के नंबर्स देखना चाहूंगा। स्टैंड अलोन, अरे यार स्टैंड अलोन लॉस पेस्ट करा है, लॉस पेश कर दिया है कंपनी ने, वो भी भयंकर वाला। हालांकि रेवेन्यू में कुछ गिरावट नहीं आई है इतनी खास, लेट्स सी कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है वो देखने वाली बात होगी। कंपनी के नंबर्स की बात की जाए तो कंपनी 7.6 करोड़ के प्रॉफिट से 136 करोड़ के घाटे में आ गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 37 करोड़ के लॉस के सामने 136 करोड़ का लॉस हुआ है, तो लॉस बहुत बढ़कर आया है। रेवेन्यू देखोगे तो 250 करोड़ के सामने 225 करोड़ का रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 350 करोड़ के सामने 225 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर। तो बिल्कुल मजा नहीं आया इसके नंबर देखकर, तो ऐसा लग रहा है टेक्सटाइल खराब है, बट ये स्टॉक एक्चुअली में ना हमेशा से ही परफॉर्मेंस नहीं देता है। कुछ एडजस्टमेंट है या नहीं है वो देखने वाली बात होगी, उसके लिए मेरे को डायरेक्टली बीएससी पे जाना होगा फुल फ्लैग पूरे नंबर देखने के लिए, क्योंकि यहाँ तो क्या दिखता है आपको, यहाँ केवल और केवल नंबर देखते हैं प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। तो टीसीएनएस क्लोथिंग मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, सितंबर क्वार्टर में देखूँ तो अदर इनकम सिमिलर है, कोई इशू नहीं आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही काफी तेजी से घटा है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस ही खराब आते हुए दिख रही है, बेहद खराब नंबर दिख रहे हैं। ये नेगेटिव रिएक्शन देने के लिए मुझे लगता है तैयार होगा स्टॉक। आईडीएफसी एनटीपीसी के नंबर्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। बात करते हैं मैक्रोटेक डेवलपर, रियल एस्टेट में बड़ा बूम चल रहा है। नंबर्स देखें, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 178 करोड़ के सामने 200 करोड़ का हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो 930 करोड़ के घाटे से 200 करोड़ में प्रॉफिट में आई है, तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1770 करोड़ के सामने 1740 करोड़ पे आया, ईयर ऑन ईयर थोड़ा घट गया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1620 करोड़ के सामने 1740 करोड़ पे, तो अच्छा है।
कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 424 करोड़ के सामने 410 करोड़ का रह गया साल दर साल, और मार्जिन में हल्की गिरावट है 24% से घटकर 23.78% पे आते हुए दिखे हैं। तो मिक्स नंबर है, ज्यादा कुछ खास कह नहीं पाएंगे इसके बारे में, ओवरऑल मिक्स है, लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। फार्मा से पी फाइजर के नंबर भी देखना चाहूंगा मैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 311 करोड़ से घटकर 140 करोड़ का रह गया, 150 करोड़ का रह गया केवल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 93.5 करोड़ के सामने 148 करोड़ पे है। इस बार नंबर सारे ही ऐसे आ रहे हैं वीकेंड पे कि जज करना मुश्किल है कि भैया ऊपर या नीचे। साल दर साल आप देखो 311 करोड़ का प्रॉफिट केवल 148 करोड़ का रह गया, खराब लग रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 93.5 करोड़ के सामने 150 करोड़, 50% का जंप। अब क्या बोले इसको नंबर को, खराब या अच्छे, लेट्स सी कैसा। मार्जिन्स घटकर आए हैं, साल दर साल पूरा खराब है ये नंबर, साल दर साल हर एक जगह गिरावट आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर एक जगह बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ पूरे के पूरे मार्केट्स पे अपडेट दूंगा, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।